तो इसलिए सीता की अग्नि परीक्षा लेने के लिए विवश हो गए थे भगवान राम। सीता की अग्नि परीक्षा रामायण की कथा के अनुसार भगवान श्री राम को 14 साल का वनवास मिला था। इस वनवास के दौरान माता सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ थे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार लंकापति रावण ने माता सीता का अपहरण कर लिया था और करीब 2 साल तक माता सीता रावण के कैद में थी। रावण की हत्या के बाद श्री राम ने सीता को मुक्त कराया था, लेकिन उन्हें अपनी पवित्रता साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा और ये परीक्षा खुद भगवान राम ने ली थी। प्रजा का मान रखने के लिए श्री राम ने ली सीता की अग्नि परीक्षा। लंबे समय तक रावण की कैद में रहने के बाद माता सीता जब श्री राम के साथ अयोध्या लौटी, तब उनकी पवित्रता को लेकर समाज के एक वर्ग में संदेह होने लगा था। लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि माता सीता पहले की तरह ही पवित्र और सती हैं। इस बात की पुष्टि वह अयोध्या की रानी के रूप में स्वीकार करने से पहले सीता को अग्नि परीक्षा देकर अपनी पवित्रता को सिद्ध करने के लिए कहा जाता है, जिसके बाद अपनी प्रजा का मान रखने के लिए खुद भगवान राम सीता की अग्नि परीक्षा लेते हैं। इसके बाद एक दोबी द्वारा फिर ये कहा जाता है कि सीता को अयोध्या की रानी बनाना सही नहीं है, क्योंकि वो काफी समय तक रावण की लंका में रहकर आई हैं। हालांकि श्री राम सीता जी की फिर से अग्नि परीक्षा नहीं लेना चाहते थे, लेकिन एक राजा होने के नाते उन्हें अपनी प्रजा की बात को ध्यान में रखते हुए फिर से अग्नि परीक्षा का फैसला लेना पड़ता है। ये तो हर कोई जानता है कि भारतीय समाज में सीता को एक पवित्र और आदर्श नारी का दर्जा प्राप्त है, लेकिन समाज में यह धारणा भी प्रचलित है कि समाज द्वारा उठाए जाने वाले सवालों के चलते और अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए भगवान राम ने माता सीता का त्याग कर दिया था। पद्म पुराण के अनुसार रामायण में थी दो माता सीता। पद्म पुराण की कुछ कहानियों को आपस में जोड़ा जाए तो इससे ये बात सामने आती है कि रामायण में एक नहीं बल्कि दो सीता थी, पहली असली और दूसरी माया। अगर पद्म पुराण की कहानियों को सच माने तो माता सीता को कोई अग्नि परीक्षा नहीं देनी पड़ी थी और न ही उन्हें वनवास जाना पड़ा था। यही नहीं, खुद भगवान राम भी माता सीता के इन दोनों रूपों के बारे में जानते थे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता सीता अग्नि देव की पूजा करती थी और त्रेता युग में ये धारणा थी कि अगर कोई व्यक्ति सच्चा है तो उसे अग्नि कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। माता सीता की भक्ति से प्रसन्न होकर अग्नि देव ने अग्नि परीक्षा के दौरान सीता की जगह उनकी माया सीता को रखा, जिसे रावण अपने साथ अपहरण करके लंका ले गया था। ऐसा कहा जाता है कि जब सीता को भगवान राम ने रावण से बचाया था, उसके बाद उन्होंने माया सीता से विनती की थी कि वो वापस चली जाएं और असली सीता वापस आ जाएं। इसीलिए सीता की अग्नि परीक्षा के दौरान असली सीता बाहर आई, जिन्हें रावण छू भी नहीं पाया था। गौरतलब है कि माता सीता के चरित्र पर उंगली उठाने वाली प्रजा को जवाब देने के लिए जब राम ने सीता की अग्नि परीक्षा ली तो इससे ये साबित हो गया था कि वो पवित्र और वफादार हैं। बावजूद इसके श्री राम ने उनका त्याग कर दिया था, जिसका कारण आज तक स्पष्ट नहीं हो पाया है।